स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो डे 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? डे 1 में हमने पढ़ा था कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। एंगल के मेजरमेंट के दो यूनिट पढ़े थे वहाँ पे हमने, रेडियन और डिग्री। ठीक है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन कैसे करते हैं, रेडियन का डिग्री में कन्वर्शन कैसे करते हैं। सो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डे 1 जाके देखिए मेरे चैनल पर। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एंगल का टेबल कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड आपको आज बताऊंगा कि एंगल का टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सो पहला हमारा रेशियो है क्या? साइन रेशियो है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है वो थोड़ा पढ़ेंगे अभी। कोस 0 साइन कोस 10 कोट सेक और कोसेक। ठीक है, इनकी टेबल थोड़ा बनाना सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि साइन की टेबल सिर्फ ध्यान रखनी है कि कैसे बनाना है। देखो ये जो मैंने लिखा है आपको, सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखो। क्या लिखो? 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो। फिर क्या करो, उसको डिवाइड कर दो आप 4 से। सभी को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया, पहले क्या किया हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, फिर हमने 4 से सबको डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, उसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, सो अंडर रूट करने पे क्या मिलेगा? वो आ जाएगी वैल्यू किसकी? साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0/4, ये आ जाएगा 0। मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 1/4 का अंडर रूट कितना होता है? 1/2, यानी कि साइन 30 कितना होता है? 1/2 साइन। अब ये 2/4 आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट। 3/4 आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या करा, एक मेथड है हमारे पास कि साइन की वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल्स पे कैसे निकालनी है। ठीक है, अभी कोस की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? कोस की वैल्यूज़ के लिए इसका अपोजिट कर दो आप। तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई साइन की, ओके। कोस की वैल्यूज़ के लिए आप पीछे से लिखना शुरू कर दो। सो कोस के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 और उसके बाद √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2 और फिर लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे 0। ठीक है, साइन के लिए ऐसे लिखा, कोस के लिए ऐसे लिखना शुरू कर दिया यहाँ से उल्टा। ठीक है, अब टेन क्या होता है भाई? टेन होता है साइन अपॉन कोस। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो इसको डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 0/1 कितना होता है? 0 होता है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/√3। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, दैट इज़ अनडिफाइंड इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद कोट की वैल्यू, जैसे आपने साइन और कोस की वैल्यू लिखी थी सिमिलरली कोट की वैल्यू लिखेंगे। सो कोट की वैल्यूज़ यहाँ से अपोजिट कर दो इसका। सो सबसे पहले लिखेंगे हम इन्फिनिटी, फिर लिखेंगे हम √3, फिर लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे 1/√3, फिर लिखेंगे 0। ठीक है, और sec की वैल्यू कैसे लिखेंगे? sec क्या होता है भाई? sec इज इक्वल टू 1/cos। सो cos की वैल्यू जितनी होगी 1/1, सो ये 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका। यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/0 क्या आ जाएगा? 1/0 आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। कोसेक की वैल्यूज़ फिर इसको अपोजिट लिख दो इसका। सो पहले लिखेंगे हम इन्फिनिटी, फिर लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे √2, फिर लिखेंगे 2/√3, फिर लिखेंगे 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम साइन से लेके कोसेक तक की जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसका मेथड ये है। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, ओके। आई होप के सभी को समझ आया होगा, नोट कर सकते हो इसको। तो अभी उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में किस किस फंक्शन का क्या क्या साइन होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में
फंक्शंस की वैल्यू चेंज होती है, किसी का साइन पॉजिटिव होता है, किसी का साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी देखो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या है, ए एस टी सी, ठीक है। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब 0 से 90 डिग्री के अंदर सारे के सारे आपके फंक्शंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे साइन 30 निकालोगे तो ये क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, टेन 30 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी सब, तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ये एंगल 0 है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ठीक है, और ये अगेन फिर 360 डिग्री हो जाएगा। सो किसी भी एंगल का वैल्यू अगर 0 से लेके 90 डिग्री के बीच है, सो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, सब की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे दूसरा आता है आपका साइन, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक। तो 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है तो साइन और कोसेक, ठीक है, ये दोनों होंगे आपके पॉजिटिव। तो अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है और लेसर देन 180 है, ठीक है, सो यहाँ पे इस इंटरवल में क्या होगा, साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक जो है आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कि टेन और कोट, टेन एंड कोट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। रेशियोज़ कैसे चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास टेंथ में, ठीक है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि कैसे वो रेशियोज़ चेंज होते हैं, ओके, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओके। सो देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या है आपका, पहले क्वाड्रेंट का तो जितने भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है, पाई बाई टू प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब पाई बाई टू से आगे, पाई बाई टू से आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पड़ेगी, ठीक है, और जब पाई बाई टू आता है तो रेशियो चेंज हो जाते हैं। सेकंड है आपका कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, कोट पाई बाई टू प्लस थीटा, एंड सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। ये चीज़ें आप सब पढ़ चुके हो, मैं जस्ट एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ आपको। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, देखो पाई बाई टू लगा हुआ है, पाई बाई टू लगा हुआ है तो ये रेशो चेंज हो जाते हैं, पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी पाई बाई टू लगा होगा तो रेशोस चेंज हो जाएंगे। साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, ठीक है, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो थोड़ा ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट में है, सभी के सभी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन एक पॉजिटिव होगा और क्या होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज़ कैसी आएंगे, नेगेटिव आएंगी। सो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यहाँ सब के सामने क्या लिख दो, नेगेटिव लिख दो, ठीक है, रेशियोस चेंज हो जाएंगे, साइन की जगह पे हो जाएगा कोस, कोस की जगह पे हो जाएगा साइन, टेन की जगह पे हो जाएगा कोट, कोट की जगह पे हो जाएगा टेन, सेक की जगह पे हो जाएगा कोसेक, और कोसेक की जगह पे हो जाएगा सेक। ये सब आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो।
अभी ये बात हुई हमारी किसकी, फर्स्ट क्वाड्र, सेकंड क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, अगर यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया तो पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पाई बाई टू में से कुछ माइनस है, सो पाई बाई टू से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है ना, तो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं रहेगा, और पाई बाई टू लगते ही रेशो चेंज हो जाता है। तो पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस 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 सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। पाई बाई टू लगते ही वैल्यू, मतलब फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, साइन का कोस, कोस का साइन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की सब वैल्यू पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो यहाँ तक एंगल पाई है, ठीक है, पाई माइनस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो एक और लिख सकते हैं हम, साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, देखो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। पाई माइनस थीटा, पाई में से यहाँ तक हो रहा है आपका पाई, ठीक है, यहाँ तक पाई हो रहा है, यहाँ तक पाई बाई टू हो रहा है, और ये थ्री पाई बाई टू हो रहा है, तो यहाँ पाई माइनस थीटा है। पाई माइनस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पाई से थोड़ा सा कम, पाई से कुछ कम है, पाई से कुछ कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो बाकी सब के आगे लिख दो माइनस। ठीक है, साइन हो जाएगा, ये साइन साइन ही रहेगा क्योंकि पाई पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई बाई टू पे चेंज हो जाती है। कोस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, बात आई समझ में। अभी इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई प्लस थीटा। प्लस पहुंचते ही ये कहाँ पे पहुंच गया, पाई में कुछ ऐड कर दिया आपने, पाई में ऐड कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि पाई में कुछ ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में अभी देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया आप, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं, सो टेन भी पॉजिटिव कोट भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा और ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। ठीक है, ये होगा टेन थीटा कोट थीटा, बाकी सब की वैल्यूज़ आपकी माइनस हो जाएगी, ये माइनस कोस थीटा, ये माइनस सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर दी हमने, पाई प्लस थीटा कर दिया, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाओगे आप तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कितना है, ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस, यानी कि कोई वैल्यू जो है आपकी माइनस की रहेगी, तो माइनस की वैल्यू कोई रहेगी तो कैसे करेंगे उसको, वो थोड़ा देख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, सो इसमें होगा साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, जीरो से कुछ कम है, जीरो से कुछ कम है तो आपको जाना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको नेगेटिव एंगल्स जो है वो क्लॉकवाइज चलते हैं, सो साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। अब आपको देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, बाकी सब नेगेटिव आ जाएगा, ये खाली पॉजिटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपका सेम रहेगा, माइनस टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे आपकी एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सो आई होप ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अभी हम बात करेंगे ग्राफ की, ठीक है, कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ ग्राफ होते हैं, तो ग्राफ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे।
देखो टेबल को थोड़ा अपने सामने जो है, आप जो मैंने टेबल अभी करवाई थी उस टेबल को अपने सामने रखो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, बहुत क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसा होता है? देखो साइन की वैल्यू जो होती है वो अगर आप नेगेटिव में जाओ तो माइनस वन होती है और पॉजिटिव में जाओ तो प्लस वन होती है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन का जो ग्राफ होता है, देखो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो होती है। सो ये क्या है आपका, देखो यहाँ पे ये एंगल है, एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम एंगल, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ थीटा। सो इसको थीटा कहेंगे। सो दो एक्सिस हैं आपके, देखो जैसे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है कोई फंक्शन है, ठीक है, ये साइन थीटा कह लो इसको। सो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर इसको थीटा कह रहे हो तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, अगर इसको एक्स कह रहे हो तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको एक्स लिख देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मान रहे हैं हम उसका एंगल, ठीक है। सो एंगल पे यहाँ पे जीरो डिग्री है और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि ये पाई बाई टू है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पाई है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थ्री पाई बाई टू है और यहाँ पे मान लेते हैं कि टू पाई है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई, यहाँ पे हो जाएगा थ्री पाई बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई, ठीक है, सॉरी टू पाई। तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, ये माइनस की वैल्यू रहेंगी, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस टू पाई। अब इसके लिए थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो साइन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो होती है, वो टेबल रख के बैठो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। जीरो पे वैल्यू ज़ीरो होती है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका पॉइंट है वन, या यहाँ पे मान लो थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है, ये वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन है। सो साइन की वैल्यू देखो, जैसे जैसे साइन की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, जीरो, जीरो पे ज़ीरो होती है, थर्टी पे होती है वन बाई टू, थर्टी डिग्री पे, फोर्टी फाइव डिग्री पे होती है वन बाई रूट टू, और सिक्सटी डिग्री पे होती है रूट थ्री बाई टू, और 90 डिग्री पे होती है 1। सो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे जैसे हम 0 से लेके 90 डिग्री तक जा रहे हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। अगर आप 90 से आगे चलोगे तो वैल्यू आपको डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, वैल्यू डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगी। तो 0 से लेके 90 पे इंक्रीज होता है, यानी कि पाई बाई टू तक इंक्रीज होता है, और पाई बाई टू के बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो जाती है वो कितनी जाती है, 1 जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 1 सपोज़ कर लिया कि ये जो है पॉइंट 1 है। सो फंक्शन जो है ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि पाई बाई टू पे ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन अटेंड करेगा, कितनी अटेंड करेगा, 1 अटेंड करेगा, ठीक है, पाई बाई टू पे, और फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। सो पाई पे फिर 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो वो हो जाएगी 0, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव में अटेन करना शुरू करेगा अपनी वैल्यू। सो नेगेटिव में भी ये माइनस वन तक जाएगा, ये अगर माइनस वन है सो नेगेटिव में भी ये माइनस वन तक जाएगा। माइनस वन पे किसकी, थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन वैल्यू होगी, और टू पाई पे फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी कंप्लीट साइकिल हो जाती है, 360 डिग्री पे ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब 360 से आगे फिर ये फिर सेम पैटर्न फॉलो करेगा, तो अब ये फिर इस तरह से अटेन करेगा। तो बच्चों ये हो गया आपका ग्राफ साइन साइन का, ठीक है। सिमिलरली ये ग्राफ कंटिन्यू रहेगा इधर लेफ्ट साइड में भी। सो पाई बाई टू पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, उसके बाद पाई पे जीरो हो जाएगा, फिर अगेन थ्री पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और टू पाई पे फिर जीरो हो जाएगा। सो इस तरह से बनेगा आपका साइन का ग्राफ, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी कि 0 से पाई बाई टू के बीच जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और पाई बाई टू से 0 और पाई बाई टू के बीच आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब पाई बाई टू से और टू पाई के बीच फंक्शन कैसा है, देखो पाई बाई टू से पाई के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, यानी कि थ्री पाई बाई टू तक। सो पाई से लेके और थ्री पाई बाई टू तक
फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 3π/2 से फिर ये वापस इंक्रीज होना शुरू हो गया हो जाता है, ठीक है, कहाँ तक, 5π/2 तक, 5π/2 तक इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा। सो कह सकते हैं हम कि भाई 3π/2 से लेके और 5π/2 तक ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पे सब ये ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम पोजीशन अटेन करेगा इस पर। सो 3π/2 से लेके 5π/2 तक फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अब डिस्कस करेंगे हम कोस के बारे में। सो कोस का भी ऐसा ही है ग्राफ, देखने में ग्राफ ऐसा ही है, बट उसमें क्या है कि 90 पे वो वैल्यू क्या होती है, उसकी ज़ीरो होती है। यहाँ 90 पे वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यहाँ 90 पे मैक्सिमम था। लेकिन कोस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको ध्यान होगा कि मैंने टेबल को उल्टा लिखवाया था, ठीक है। सो अभी क्या फंक्शन दिया होगा आपका, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स दिया होगा। सिमिलर फैशन में हम इसको लिखेंगे। सो कोस की वैल्यू आपने देखी होगी कि 0 डिग्री पे कोस मैक्सिमम होता है, 1 होता है, 30 डिग्री पे वो वैल्यू होती है जो साइन की 60 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे सेम होता है 1/√2, 60 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि 0 से लेके 90 के बीच में वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। साइन कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था 0 to π/2 के बीच में, कोस कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये शुरू कहाँ से होगा, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर ये 1 है, सो ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस क्या दिखा रहा है, x की वैल्यू दे रहा है, और y एक्सिस y की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो ये फंक्शन यहाँ पे मान लो आप π/2, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। बच्चों इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज़ करना है। ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, -3π/2, -2π। मैथमेटिक्स में रटोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। सो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच में घटती जा रही है, घटती जा रही है, और π/2 पे कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। π/2 से अब ये फिर वैल्यू आपकी जब पाई तक पहुँचेगी तो पाई पे फिर ये इंक्रीज हो जाएगी, पाई पे फिर ये जो वैल्यू होगी सबसे कम वैल्यू होगी पाई के ऊपर, ठीक है। पाई के ऊपर कितनी वैल्यू होगी, -1 वैल्यू होगी यहाँ पे, फिर ये फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी 3π/2 तक, उसके बाद 2π पे फिर ये मैक्सिमम पहुँचेगी, ठीक है, और इस तरह से फिर ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहेगा। तो इस ग्राफ को अगर हम नेगेटिव रीजन में थोड़ा बढ़ा दें, सो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें नज़र आएगा, ठीक है। सो इसके जो कंप्लीट साइकिल है वो कहाँ होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो ये होगी इसकी एक कम्प्लीट साइकिल, ओके। सो इस तरह से है आपका कोस का ग्राफ। अभी बात करेंगे टेन के ग्राफ की, समझ आ गया, ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ आपकी 0 से 90 में कैसे चेंज हो रही है, उसके आगे भी वो वैल्यूज़ जो है इसी तरह कंटिन्यूस फ्लो में चलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम टेन की, y इज इक्वल टू 10x, टेबल लिख लेते हैं। 10x की क्या टेबल है, 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 10 की, 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/√3 होती है, 45 डिग्री पे 1 होती है, और 60 पे इसकी वैल्यू होती है √3, और 90 पे इसकी वैल्यू आई थी बच्चों क्या आई थी, इनफाइनाइट, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है इसकी पाई 90 पे। और 10 जो फंक्शन है अपने आप को हर पाई के बाद उसको, मतलब अगर इसमें पाई ऐड कर दोगे थीटा में अगर पाई ऐड करोगे तो फिर से उसकी वैल्यू जो है सेम अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ ग्राफ बना लेते हैं उसी तरह से सेम। कुछ बच्चों को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है 10 का ग्राफ, कोट का ग्राफ, लेकिन उसको अगर तरीके से आप समझोगे तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपका लिख दिया मैंने π/2, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 3π/2 हो गया, और यहाँ पे 2π हो गया। सिमिलर फैशन में यहाँ पे -π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया,
और ये हो गया आपका 2π। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्योंकि पाई बाई टू पे फंक्शन कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है, और माइनस पाई बाई टू पे भी फंक्शन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है कि ज़ीरो पे होता है आपका ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो पे कैसा होता है, ज़ीरो हो जाएगा। सो और एक यहाँ पे पाई बाई टू हो गया, ये भी पाई बाई टू हो गया, 3π/2 खींच लेते हैं, यहाँ पे 3π/2 खींच लेते हैं। ये क्यों खींचा हमने, उसका भी थोड़ा मैं बताऊंगा आपको क्यों खींचा मैंने ये। तो देखो बच्चों, पाई बाई टू पे फंक्शन कैसा होता है, पाई बाई टू पे फंक्शन होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, सो पाई बाई टू पे फंक्शन रहेगा इनफाइनाइट, और देखो ज़ीरो से लेके, जैसे हम ज़ीरो से लेके 90 तक बढ़ रहे हैं, सो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, 10 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ये वैल्यू बढ़ रही है, और पाई बाई टू पे जाके ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये आपस में कहीं मीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन जाएगी, ये इसके पाई बाई टू जो हमने एक्सिस बनाया है, पाई बाई टू जो लाइन खींची है, उस लाइन के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको माइनस के रीजन में लेके जाएं, जीरो से पाई बाई टू के बीच में लेके जाएं, देखो आपने क्या पढ़ा था, ASTC, तो माइनस जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू रीजन कहाँ पे हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू घटेगी, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिमिलर फैशन में नेगेटिव रीजन में नेगेटिवली बढ़ती चली जाएगी, और पाई बाई टू पे क्या हो जाएगी, पाई बाई टू पे ये पैरेलल हो जाएगा ग्राफ। पैरेलल क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, सो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी। सेम पैटर्न आपका, देखो पाई पे 10 की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी पाई पे 10 की वैल्यू। सेम पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे क्या फॉलो होगा, ये ग्राफ फिर ऐसा ही बनेगा कि पाई से अगर 3π/2 के बीच आप देखोगे, सो वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और पाई से अगर पाई बाई टू के साथ आओगे, तो ये वैल्यू आपकी घटती चली जाएगी। सो ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। सिमिलर फैशन में हम यहाँ पे ये ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा आपका, पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू का तो हमने बना दिया। ठीक है, ये फिर 3π/2 से फिर ये ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कहीं पे, और यहाँ पे होगा 5π/2। ठीक है, सो बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना, ओके। ये यहाँ पे आपका माइनस पाई बाई टू से फिर ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, पाई पे फिर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और 3π/2 पे फिर वैल्यू आपकी जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, सो ये बन गया आपका ग्राफ किसका, 10θ का या 10x का ग्राफ इस तरह से बन जाता है आपका। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोर्टेक्स के ग्राफ की। ठीक है, कोर्टेक्स का ग्राफ भी कुछ लगभग ऐसा ही है, बट उसमें क्या होता है कि उसमें देखो, इसमें 0 से लेके 90 तक वैल्यू बढ़ रही है, उसमें 90 से लेके 0 से लेके 90 तक जो 10 की वैल्यू है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, और कोर्ट में डिक्रीज़ होती है। ठीक है, सो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, बट उसमें क्या है, यहाँ पे वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ होगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये यहाँ से वैल्यू डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, पाई पे 0 हो जाएगी, और 3π/2 पे फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, सो कोर्टेक्स को लिखेंगे, कोर्टेक्स को हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा आपका √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, सो सिंपल कंसेप्ट है, उसको टिपिकल ना बनाए, ओके। सो अभी हम फिर यहाँ पे कोर्टेक्स का ग्राफ बना लेंगे, बट ध्यान ये रखना है कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कोर्ट का ग्राफ जो है वो डाउन जाएगा, क्योंकि पहले इन्फिनिटी है, फिर √3 है, फिर धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है 0 से 90 के बीच में।
सो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है बस। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, ये हो जाएगा टू पाई। सिमिलर फैशन में माइनस पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस टू पाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे, पाई बाई टू पर फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पर ये फंक्शन कैसा होगा, ये पैरेलल हो जाएगा ग्राफ इसका। ठीक है, ये पाई बाई टू है, ये थ्री पाई बाई टू। ठीक है, अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि जीरो से पाई बाई टू में जैसे हम जाएंगे, जीरो ये वैल्यू जीरो है, जीरो से पाई बाई टू में आपकी वैल्यू कैसी हो रही है, ये डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, सो डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि, और सिमिलर फैशन में नेगेटिव में भी डिक्रीज़ होगी। सो नेगेटिव में ये डिक्रीज़ होगी तो पहले तो माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी होगी, उसके बाद जैसे जीरो आ जाएगा तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब पाई बाई टू पर यह वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो ये ग्राफ आ जाएगा नीचे आपका, यहाँ पे डिक्रीज होनी शुरू होगी। ठीक है, सिमिलर फैशन में थ्री पाई बाई टू पर फिर ये डिक्रीज होगी, पाई पे ज़ीरो हो जाएगी और पाई बाई टू पर फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर होगा, पाई बाई टू पर ये वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी और जीरो पाई पे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू फिर से सॉरी थोड़ा गलत हो गया इसमें, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो पे हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पैरेलल होगी वैल्यू, फिर से ही ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ज़ीरो पे इन्फिनिटी बनेगी ये। तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू और ये हो जाएगा टू पाई। ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस पाई बाई टू, ये होगा पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वैल्यू कब आपकी इन्फिनिटी बनेगी, एक तो ज़ीरो पे बनेगी और एक बनेगी पाई पे। वहाँ टेन में क्या बन रहा था, पाई बाई टू पे बन रही थी, थ्री पाई बाई टू पे बन रही थी, बट यहाँ किस पे बनेगी, यहाँ बनेगी ज़ीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई पे और माइनस टू पाई पे। ठीक है, सो अगर ज़ीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में ये वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीज़ होगी। जीरो पे क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, जीरो पे इन्फिनिटी हो जाएगी, पाई बाई टू पे ज़ीरो हो जाएगी और फिर जैसे ही पाई बाई टू से पाई के बीच जाएंगे सो ये वैल्यू नेगेटिव रीजन में आपकी घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पाई पे वैल्यू फिर मैक्सिमम जाएगी, थ्री पाई बाई टू पे फिर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और टू पाई पे फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, सिमिलर फैशन में पाई बाई माइनस पाई पे ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, पाई बाई टू पे ज़ीरो और इस पे नेगेटिव रीजन में। सिमिलर फैशन में ये इस तरह ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रटने वाली चीज़ है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस थीटा के कितनी डिग्री पे वो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी बनेगी। तो इन्फिनिटी बन रही है ज़ीरो पे, ज़ीरो पे इन्फिनिटी बन रही है, पाई पे इन्फिनिटी बन रही है और टू पाई पे इन्फिनिटी बन रही है। ठीक है, सो कर्व आपका उसी तरह से हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक फंक्शन के बारे में। तो सेक की वैल्यू पहले ध्यान रखो, आपकी ज़ीरो से लेके 90 डिग्री तक वैल्यूज़ कैसी होती है। ठीक है, सो थोड़ा सा टेबल पे फिर जाएंगे हम। सेक की वैल्यू देखो, कोस की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। यहाँ पे कोस 0 होता है आपका 1, 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोस 30 हो जाएगा √3/2, 45 होता है आपका 1/√2, 60 हो जाएगा आपका 1/2 और 90 हो जाएगा आपका 0।
ठीक है। सेक क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा टू, और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले वन था, फिर टू बाई रूट थ्री था, उसके बाद रूट टू हुआ, उसके बाद टू हुआ, उसके बाद इन्फिनिटी हुआ। ठीक है, सो अभी ये ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, वन है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ग्राफ आपका शुरू होगा वो मिनिमम वैल्यू उसकी जाएगी, मिनिमम वैल्यू वन जा सकती है, ठीक है, या माइनस वन जा सकती है। ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेके और ये प्लस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जा सकता है, क्योंकि प्लस में आपका इन्फिनिटी आ गया, तो जब ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाओगे जहाँ पे सेक नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे ये जाएगी वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो थोड़ा देख लो। पहले हम लिखेंगे पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, इसी तरह से माइनस पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू और माइनस टू पाई। ठीक है, अभी इन्फिनिटी कितने पे बन रहा है, ये 90 डिग्री पे इन्फिनिटी बन रहा है, 90 मतलब पाई बाई टू पे। सो पाई बाई टू पे आपका ग्राफ इन्फिनिटी हो जाता है, सेम, क्योंकि हर एक पाई के बाद इसको जो है वो रिपीट करेगा। सो अगर पाई बाई टू पे इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है, सो थ्री पाई बाई टू पे भी इन्फिनिटी होगा, और यहाँ कितना गैप है पाई के बीच में, माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ माइनस पाई बाई टू पे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा थ्री पाई बाई टू पे। ठीक है, ओके, अभी ये देखना है हमें, देखो सेक की वैल्यू जीरो से लेके 90 डिग्री में जो है बढ़ रही है, और कहाँ तक पहुँच रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। जीरो पे कितनी है, ये जीरो है, जीरो पे कितनी है, वन है, वन मान लेते हैं यहाँ पे है, ये वैल्यू मान लेते हैं वन है। सो वन से ये ग्राफ शुरू होगा और ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा, सो वन से इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, बढ़ के जो है ये इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे मीट नहीं होगा, और जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू के बीच में क्या होगा, देखो ए एस टी सी, सी मतलब कोस और सेक, जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू, ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। सो यहाँ जो जीरो से पाई बाई टू के बीच का जो ग्राफ होगा वो भी पॉजिटिव ही बढ़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। सो जीरो से लेके पाई बाई टू में फिर सेम पैटर्न ग्राफ फॉलो करेगा ये ग्राफ। ठीक है, और पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू पे कैसा हो रहा है, वो इनफाइनाइट बन जा रहा है। ओके, सिमिलर फैशन में अगर हम पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में अगर डिस्कस करते हैं, देखो पाई बाई टू यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो आपका नीचे वाली, नीचे नीचे ही होगा। ठीक है, और पाई पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, माइनस वन वैल्यू होती है, सेक पाई कितना होता है, माइनस वन होता है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, और ये पाई बाई टू पे कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पे फिर से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब ये ग्राफ आपका इस तरह से यहाँ बनेगा। ठीक है, सिमिलर फैशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ मिलते रहेंगे और ये यहाँ पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल ग्राफ है, किसका, सेक एक्स का। आई होप के समझ आया होगा। अभी ग्राफ पढ़ेंगे हम कोसेक एक्स का। ठीक है, सो कोसेक एक्स का ग्राफ, अगर आपने ये ग्राफ अगर समझ में आया होगा तो कोसेक एक्स का ग्राफ भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट कहाँ पे बन रहे हो। ओके, तो कोसेक एक्स के ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो
यहीं पे लिख देता हूँ, कोसेक का ग्राफ में ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ज़ीरो पे इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये टू आ जाएगा, ये रूट टू होगा, ये होगा टू बाई रूट थ्री और ये हो जाएगा वन। ठीक है, अभी आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। पैटर्न क्या नज़र आ रहा है कि ज़ीरो पे वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब ज़ीरो पे वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ये फंक्शन जो है डिक्रीज़ कर रहा है अपनी वैल्यू, और जैसे ही 90 पे जाता है, 90 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज़ वन। सो सिंपली जैसे हमने ग्राफ पीछे वाला बनाया है, इसी तरह से इसको ग्राफ को बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पाई बाई टू है, पाई है, थ्री पाई बाई टू है और टू पाई है। ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई माइनस माइनस थ्री पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस टू पाई। ठीक है, जीरो पे ग्राफ आपका कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। सो जीरो पे एक यहाँ से ग्राफ इन्फिनिटी जाएगा, फिर पाई पे अपनी वैल्यू चेंज करेगा, सिमिलर फैशन में रिपीट करेगा पाई पे। सो पाई पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, टू पाई पे ये वैल्यू चेंज करेगा अपनी, रिपीट करेगा सिमिलर फैशन में, यहाँ से जीरो से पाई कितना आता है, माइनस पाई पे रिपीट करेगा, फिर माइनस टू पाई पे रिपीट करेगा। ठीक है, जीरो पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और पाई बाई टू पे ये होता है मैक्सिमम। सो पाई बाई टू यहाँ है, तो यहाँ अगर ये वन होगा, ठीक है, सो वैल्यूज़ की घट रही है, जीरो से जैसे ही 92 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू घट रही है। तो जीरो पे इन्फिनिटी हुआ, 92 पे इसकी 90 पे इसकी वैल्यू हो गई वन। अब जैसे आप 90 से दूसरे क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, मतलब पाई बाई टू से पाई के बीच में, पाई बाई टू से पाई के बीच में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, बढ़ेगी ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। अब सिमिलर फैशन में पाई से लेके टू पाई, पाई से लेके थ्री पाई बाई टू के बीच, देखो पाई से लेके थ्री पाई बाई टू के बीच आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है मतलब नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी थ्री पाई बाई टू पे, माइनस वन होगी। ये वैल्यू अगर माइनस वन है, सो नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा माइनस वन, और पाई से लेके और थ्री पाई बाई टू तक इसकी वैल्यू जो है आपकी, फिर ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, और थ्री पाई बाई टू से टू पाई के बीच यहाँ पे फिर ये आपका नेगेटिव होगा, तो ये फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ कोसेक एक्स का। सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, देखो माइनस पाई से और पाई बाई टू, पाई बाई टू पे फिर ये वैल्यू अपनी मैक्सिमम अटेन करेगा माइनस वन, तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पाई पे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो इस तरह से बन जाएगा आपका ग्राफ कोसेक एक्स का। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, कोसेक एक्स का। बच्चों यहाँ पे रटने की कोशिश ना करें, इसको थोड़ा लॉजिकली समझना है कि कहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही है, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो आपकी बुक में दिए हैं एग्जांपल्स, और ये बेहतर से समझना है आपको कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होती है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है कि कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/5। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/5, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, ए एस टी सी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज़ कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। तो पूछ रहा है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कोट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, और कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू। साइन होता है आपका क्या, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये कैसे है, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट आएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, क्लास 9th 10th में तो आपने क्या है कि उसको एक ट्रायंगल बना के सिंपली ऐसे भी कर लेते थे, है ना, जैसे कोस एक्स है, कोस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सो बेस क्या है, यहाँ पे 3 है,
परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 5 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो साइन एक्स कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, से हो जाएगा 4/5। लेकिन आपको याद रखना है कि x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, टेनोर कोट को छोड़ के, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4/5। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका है आपका फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वैल्यू रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह 9/25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/25, तो साइन एक्स हो जाएगा +-4/5। अब ये साइन की वैल्यू +-4/5 आई, बट आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। सो चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप इस तरह ट्रायंगल बना के जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे उस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी वैल्यू फाइंड करेंगे टेन एक्स की, तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी होती है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो लेकिन टेन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही रहेगी। उसके बाद कोट कैसा हो जाएगा, कोट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कोट भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिखेंगे। फिर सेक एक्स, सेक होता है 1/cos, सो 1/cos कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है इसलिए इसको भी नेगेटिव लिखेंगे। कोसेक एक्स की वैल्यू साइन का जस्ट रिवर्स होता है, साइन की वैल्यू आई थी कुछ कितनी, 4/5 आई थी, तो ये वैल्यू हो जाएगी -5/4, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। साइन 31π/3, साइन 31π/3, सो 31π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 10π+π/3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30π+π, 31π/3। अब ये 10π है, देखो 2π में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, सो ये हो गया आपका 2π यहाँ तक, सो कितने रिवोल्यूशन है, 5 रिवोल्यूशन है। ये एक्सिस हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये 2π हो गया, फिर ये 2 रिवोल्यूशन हो गया, 4π हो गया, फिर 3 रिवोल्यूशन हो गया, 6π हो गया, फिर 4 रिवोल्यूशन 8π, फिर 5 रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 10π, और ये कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, π/3 पे। सो इसका मतलब क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू इसकी साइन ही रहेगी, क्योंकि 10π है, π/2 होता तो कुछ चेंज हो जाती, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन π/3 की वैल्यू, साइन 60 है आपका √3/2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, हाँ तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अभी एग्जांपल नंबर 9 देख लो, ये एग्जांपल नंबर 8 था, एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710, ठीक है। सो -1710 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा आपका 360। अब हमने रिवोल्यूशन शुरू किया है लेफ्ट से, देखो पहली चीज़ तो ये देख लो कि लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हो, राइट से भी शुरू कर सकते हो। आपको पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो हम इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि कोस 1710, ओके। अब 1710 को हम जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था इसी तरह से इसको कर लेंगे रिवोल्यूशन के बेस पे। सो कितने रिवोल्यूशन बनेंगे,
वो थोड़ा देख लो। देखो 360 तो एक रिवॉल्यूशन हो गया, फिर दूसरे में हो गया कितना 720, तीसरे में हो गया 1080, ठीक है, कितना हो गया, और चौथे में कितना हो गया 1080 में 360 और ऐड करो, सो ये हो जाएगा 360 × 4, कितना हो जाएगा 400, 4 6 24, 4 3 12 × 2 40, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 6π, क्योंकि एक तीन रिवॉल्यूशन हमने कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 4 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 8π प्लस कितना बचेगा 1710 से 1440 माइनस करो, कितना बचेगा 0, 11 − 4 7 6 − 4 2, तो ये बचेगा 270, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 270, ओके। अब ये 8π है, 8π मतलब 4 रिवॉल्यूशन हो गए, तो रिवॉल्यूशन होने के बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अभी इसको भूल जाओ, 270 से कन्फ्यूज मत होना, इसको थीटा ही समझो आप, ठीक है। तो थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस का कोस ही रहेगा, सो ये कितना वैल्यू आ गया, कोस 270 आ गया। अब 270 को फिर हम तोड़ के लिख देंगे किस में, कोस 180 + 90, ठीक है, 180 + 90, इसको थीटा ही समझो आप, 180 + 90 कहाँ पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होगी तो ये आ जाएगा माइनस कोस 90, कोस 90 कितना होता है इनफाइनाइट, सॉरी कोस 90 होता है आपका ज़ीरो, कोस 90 इज़ ज़ीरो। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, कोस माइनस 1710 की आ गई ज़ीरो। अभी बच्चों आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपको खुद करनी है, अगर ये एग्जांपल्स आपको अच्छे समझ आ गए होंगे सो एक्सरसाइज भी आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी को बेनिफिट इसका हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, डे 3 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।